वो आज टॉपिक है जिस पर बातचीत का सिलसिला जुड़ा हुआ है वो ये है कि वार्ताकार शाहीन बाग गए, उन्होंने आज बातचीत की और मसले का हल निकले, यानी जो सड़क पे हमारी माँ बहने बैठी हुई हैं वो बात को समझे, उनकी बात को सरकार तक समझे पहुंचे और उनकी बात सही तरह से हल निकले, इसके लिए आज बातचीत हुई और यही हमारा आज का मुद्दा जो पैनलिस्ट के बीच में मौजूद है। जी जनाब, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहाँ से हैं आप? कश्मीर से, जीएम बांडे। जीएम बांडे, बात मेरा यह है, हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी है? अरे किसी की कमी नहीं, जो भी है यहाँ पे इफरात में है, बहुत कुछ है जी। जो जो बंदे आए उन्होंने क्या क्या किया तो देश के लिए किया था नू। हाँ जी। अब तो बात यह है, बात से बात क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? जब इखलाक होगा, इखलाक से हर कुछ बनेगा। हाँ। जब इखलाक है ही नहीं, पहले तो आपस में बैठो, आपस में सर बात करो। जब आपस में बात करो तो बात ही से बात बन जाएगा। जब बात से बात नहीं किया तो बात कैसा बनेगा ना? क्या बात है, थैंक यू सो मच साहब। बात पहले बैठो, जो जो हमारे को ऐसा बनाता है, इससे बात निकले, उससे बात निकले, इससे कुछ नहीं चलेगा। जो मंत्री खुद करेगा ना, आपस में बैठकर करेगा ना, भाई बनकर बैठेगा ना, तब तो देश भी चलेगा, इंसान भी चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। कश्मीर से हैं, इनका कहना है कि हल ऐसे होगा कि पहले बात बैठ कर हो और बातचीत का हल निकले। जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस आया है ये बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है कि नेताओं को पहले हर लेवल पे हर निरंतर प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि वो फेल हो गया या बिल्कुल नहीं हो पाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है कॉग्निशन लिया है। कॉग्निशन लिया, जी 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 जी। ऐसा जो है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करने की तब जरूरत पड़ी है, बिकॉज मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ। जब रोज आने लगे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहने आया हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नशा है आने का रोज का। नो नो, नशा क्या हुआ, तो देश का नशा है हमारे पास। क्या बात है, गजब है। देश को राइट ऑर्डर में ले जाने के लिए अगर आपका चैनल सही काम कर रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सही बात पहुँचाने के लिए एक अगर ये माध्यम है तो मैं आपके साथ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि जो वहाँ पर हमेशा जो ये माहौल फैलाया जा रहा है कि NRC मुस्लिम के खिलाफ है, CA मुस्लिम के खिलाफ है, दिस इज नॉट एट ऑल द राइट वर्ड इज। जैसे आपने अभी उन्होंने कहा कि, या आपने कहा था कि 25 लाख मुसलमान, 20 लाख, ये कितना था, 19। हम सोच सकते हैं, हम कानून पढ़ सकते हैं, हमको एक सेकंड, हमको बोलना कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरा अपना दिमाग नहीं है, मुझे यहाँ पे किसी ने रखा है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश की महिलाओं से। हम महिलाएं सक्षम हैं, महिलाओं को मैंने आपकी बात सुनी, बिल्कुल सही, महिलाएं सक्षम भी है, सशक्त भी है। एक मिनट इफ्रा, एक मिनट। महिलाएं जब शाहीन बाग में बैठी है तो सशक्त है, आपके समर्थन में बैठी है तो सशक्त है, पर यही महिलाएं जब पॉलीगैमी यानी चार शादियों का विरोध करें तो सशक्त नहीं है, हलाला का विरोध करें तो भी सशक्त नहीं, ट्रिपल तलाक का विरोध करें तब सशक्त नहीं। ये दोगली राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप बताइए ना, किसने रोका विरोध करने से? कभी आपने सुना है कि किसी ने गोली चला दी किसी महिला पे क्योंकि वो हलाला का विरोध कर रही थी? आपने गोलियां चलवा दी जामिया पे, आपने गोलियां चलवा दी। जी देखिए, एक बड़े ठंडे दिमाग से ये बात जानना कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार, क्या हिंदुस्तान में 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात ऐसी हुई हो जैन समाज को बुरी लगी हो? क्या पता कोई बात सिख समाज को बुरी लगी हो? क्या इस प्रकार कभी जैन समाज रोड पर उतरेगा? क्या इस प्रकार सिख समाज रोड पर उतरेगा? क्या इस प्रकार समुदाय और समाज रोड पर उतरने लगे, हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? जब मंडल लगी थी सब, आपको याद दिला देती हूँ, जब मंडल कमीशन आया था। अरे रुकिए रुकिए, जब मंडल कमीशन आया था और रिजर्वेशन मिला था OBC को, तब आप लोगों ने पूरे देश को आग लगा दी थी, भूल गए वो दिन? और वो बात अलग है कि जामिया में आज भी वो रिजर्वेशन फॉलो नहीं होता, जामिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी वो रिजर्वेशन फॉलो नहीं होता। साबरीमाला में जब कोर्ट का ऑर्डर आया, आप तो अभी भी केरला में उसका विरोध कर रहे हैं, बसें जला दी है, पेट्रोल पंप लगा दिए हैं। ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे मानव श्रृंखला बनी है, बिल्कुल शांति से विरोध हो रहा है। आप रामलीला मैदान हायर करिए, अरविंद केजरीवाल से बोलिए, अमानतुल्ला से बोलिए, रामलीला मैदान हायर करिए, वहाँ बैठे रहिए जितने दिन बैठा है। आखिरी बात हुई,
एक मिनट, यहाँ पर संवाद की बात हुई कि बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल एक मिनट बात अरे अरे रुकिए अरे 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 सरकार संवाद से क्यों करती है? प्रतीक जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हैं आप। ये सरकार